हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर तेज प्रताप पांडे ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने आम आदमी की जीत को साबित कर दिया है। उन्होंने ये बात बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उनके साथ प्रदेश पीएसपी कमेटी के सदस्य और संगठन सचिव अमर सिंह चौधरी भी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर तेज प्रताप पांडे ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने आम आदमी की जीत को साबित कर दिया है। वे बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश पीएससी कमेटी के सदस्य और संगठन सचिव अमर सिंह चौधरी भी उपस्थित थे। डॉक्टर पांडे ने कहा कि दिल्ली निवासियों ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया है कि काम को वोट मिलते हैं। उन्होंने इसके लिए समस्त दिल्ली वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी जनहित के कार्य करने के लिए आम आदमी पार्टी संगठन को और मजबूत करने जा रही है और आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को एक विकल्प दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकारों ने न केवल आम आदमी की समस्याओं को बढ़ाया है बल्कि अपनी झोलियां भरी हैं, जो अब नहीं चलने वाला है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा के मसलों को दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से दोहन नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो न केवल इनका सुनिश्चित तरीके से दोहन किया जाएगा बल्कि इसका लाभ हिमाचल की जनता को भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए बिजली पर केंद्रित करते हुए एक बेहतर नीति अमल में लाई जाएगी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हिमाचल में उत्पादित होने वाले किसी भी वस्तु की कीमतें कम होंगी। जैसे कि सीमेंट हिमाचल में उत्पादित होता है लेकिन उसकी कीमतें अन्य राज्यों से अधिक हिमाचल में ली जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे आम आदमी पार्टी के मुद्दों को समझे और उसके साथ जुड़े। उसको नहीं मिल पाने के कारण आज आगे पीछे भटक रहा है। अपने डिग्रियों में खर्च करते हैं वो वैसे खाली हो गए और बच्चे जो है हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, व्यवस्था के अंदर इसकी बदौलत आम आदमी की पार्टी की सरकार उन्हें तीसरी बार सत्ता में काबिज हो रही। दिल्ली में जो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के काम पर खुश होकर के उनको पहचाना है और उन्होंने जो इतना भारी बहुमत से विजयी बनाया है जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी पैटर्न पर सारे काम किए जाएंगे, जनहित के सभी काम होंगे।